नमस्कार, मेरा नाम अखिल कुमार है और आज हम योगेंद्र यादव के साथ हैं। योगेंद्र जी जाने माने पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और उनकी अपनी स्वराज इंडिया नाम की पार्टी है जो उन्होंने शुरू की है आपको छोड़ने के बाद। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहले पढ़ा भी चुके हैं, तो आज हम उनसे सहारा बिरला पेपर्स के सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं। तो योगेंद्र जी, अभी सहारा बिरला पेपर्स और ज़्यादा चर्चा में आ गई है राहुल गांधी के कुछ थियाट्रिक्स के कारण। वो बोल रहे थे कि मैं कुछ बोलूँगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा और ये सब, जबकि फैक्ट ये है कि ये पेपर्स पब्लिक डोमेन में बहुत टाइम से हैं। बहुत सारे प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया ने इसको पहले भी रिपोर्ट कर दिया था, पर किसी वजह से टीवी मीडिया में ये नहीं आया था। पर अब जब ज़्यादातर टीवी मीडिया में भी ये आ गया है, सबको ये पता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी भी जो करप्शन का एक्सटेंट है, इसके थ्रू जो उजागर होना था वो शायद अभी तक जनता को ब्रॉडली समझ में नहीं आ पाया है। वो एक इशू बन गया है कि आम आदमी पार्टी मोदी के खिलाफ कुछ कुछ बोलती है, बाकी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी मोदी के खिलाफ कुछ कुछ बोलती रहती है, तो वो इसी तरह उनके पीछे जाने के लिए कुछ भी ऐसे दस्तावेज जो वेरीफाई नहीं किए जा सकते हैं उसको पुश करके अपना एक एजेंडा इसके पीछे लगाई हुई है। तो इस समय इसका क्या महत्व है इस डॉक्यूमेंट का और इसके पीछे की कहानी छोटे में अगर आप बता सकें। अखिल, ये राहुल गांधी के बोलने से तो इस केस में कुछ भी फायदा नहीं हुआ, शायद थोड़ा नुकसान ही हो गया। जब राहुल गांधी ने अपनी बात कही उससे पहले इतना बैकग्राउंड बनाया, भूकंप आने वाला है ये वो, और ले दे के वही बात दोहराई जो अरविंद केजरीवाल ने कही थी। और अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही वो वही थी जो कि प्रशांत भूषण लिख के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में दे चुके थे, कुछ भी नया नहीं था। वैसे भी जब कांग्रेस करप्शन की बात करती है तो थोड़ी हंसी आती है, कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। और राहुल गांधी ने इतनी भी ईमानदारी नहीं बरती कि शुरू में खुद ही कह देते कि हाँ मेरी पार्टी के लोगों का भी नाम है और एटलीस्ट उनको हम हटाएंगे उससे पहले। तो राहुल के कहने से तो ये केस थोड़ा सा हल्का ही हुआ होगा, इसमें कुछ वजन नहीं आया। बस एक फ़ायदा हुआ कि जितना मीडिया, टेलीविज़न और अखबार वाले जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठे थे इस सवाल पर पिछले एक महीने से, उन्हें मजबूर होना पड़ा इसके बारे में बात करने के लिए। असली सवाल ये है कि ये मुद्दा है क्या, क्या ये गंभीर मुद्दा है या नहीं। प्रधानमंत्री का नाम आया है, क्या यूँ ही उड़ाने के लिए कोई बात कही जा रही है, यूँ ही बातों को उछाला जा रहा है या कोई गंभीर है। देखिए, पहला तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये प्रशांत भूषण के द्वारा लगाए गए चार्जेस हैं। प्रशांत भूषण ने चाहे वो 2G का मामला था, चाहे कोलगेट का मामला था, जब भी कुछ कहा है प्रमाण के बिना मुँह नहीं खोलते। मैं उन्हें जानता हूँ प्रशांत जी को, मैं कई बार कहता हूँ वकील से ज़्यादा तो आप जज हैं, जज जैसी भूमिका में वो बैठते हैं। वही प्रशांत भूषण जब 2G और कोलगेट पे बोलते थे तो बीजेपी वाले उछलते थे, कहते थे प्रशांत भूषण क्रुसेडर है, उन्होंने ये दिखाया है। आज वही प्रशांत भूषण बोल रहे हैं तो झूठे हैं। खैर, असली चीज़ देखिए, पहली बात ये कि ये जो मामला है, ये जो बात पब्लिक डोमेन में रखी जा रही है, ये कोई वेग सरफिरे एलिगेशंस नहीं है, ये बहुत डिटेल्ड है। यानी कि सिर्फ कोई खड़ा होकर ये नहीं कह रहा कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए ले लिए, 500 करोड़ रुपए ले लिए, ऐसी बात नहीं है। किसने कितना पैसा किसको किस दिन और कहां दिया, ये पूरा का पूरा दर्ज है। सही है झूठ है हम नहीं जानते, लेकिन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। नंबर दो, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है। वो कागज कोई सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिला है, रेड में मिला है, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर वेरीफाई हो चुके हैं। तीसरा, ये इन्फॉर्मेशन की जांच हो चुकी है, इनमें से कम आधी इन्फॉर्मेशन की। जो बिरला वाले पेपर्स हैं वो छापे में मिलने के बाद सरकार ने इसकी जांच करवाई, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने सब लोगों का इंटेरोगेशन किया, इकबालिया बयान हुए, कुछ लोगों ने इनकार किया, उसकी जांच हुई, उसके बाद 4 वॉल्यूम की रिपोर्ट बनी है, अप्रेजल रिपोर्ट, जो अभी प्रशांत जी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और वो रिपोर्ट कहती है कि पहली नज़र में ये सारे डॉक्यूमेंट सच्चे हैं और इसके आधार पर जांच होनी चाहिए। यहाँ तक मामला पहुँच चुका है, इसके बाद हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। वैसे भी देखिए, ये 2 अलग अलग मामले हैं, बिरला का और सहारा का। एक रेड पड़ी कांग्रेस के ज़माने में, दूसरी रेड पड़ी बीजेपी के ज़माने में। दोनों कागज़ों में दोनों पार्टी के नेताओं का नाम है, सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम नहीं है। यानी कि पहली निगाह में ये मामला क्रेडिबल है। मैं इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल रहा कि इसके आधार पर प्रधानमंत्री को दोषी मान लिया जाए,
उनको सजा दे दी जाए, हम नहीं जानते, लेकिन जांच शुरू की जा सके, कम से कम इतना मामला तो बनता है। और हमारी केवल यही मांग है, न प्रशांत भूषण ने न स्वराज इंडिया ने कभी भी कहा प्रधानमंत्री दोषी हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, नहीं, हम केवल इतना कह रहे हैं ये गंभीर मामला है, कम से कम पहले जो जैन हवाला मामला था उससे ज़्यादा गंभीर है, जिस तरह की बात बोफोर्स में की गई थी उससे ज़्यादा गंभीर है, कम से कम जांच होनी चाहिए। इस देश को ये अधिकार है जानने का कि ये तमाम बड़े बड़े नेता जिनका नाम है, केवल प्रधानमंत्री नहीं 20-25 नेताओं का नाम है, ये क्या इसमें लिप्त थे या नहीं, ये जानने का देश को अधिकार है, बस सिर्फ इतना कह रहे हैं। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कॉमन कॉज ने दस्तावेज जमा किए थे इस केस के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था ये कह के कि ये काफ़ी नहीं है एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने के लिए। और अभी बहुत सारे नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी पे, कि ये सारे ऐसे ही फर्जी दस्तावेज हो सकते हैं, पर ये मामला काफ़ी गंभीर है क्योंकि ये भी पता चला है कि अराउंड 18 राजनीतिक पार्टियों के कम से कम 100 नेताओं के नाम इसमें शायद शामिल हैं। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, ये जो रद्द करने की प्रक्रिया हर जगह से आ रही है कि ये तो है नहीं, ये तो फालतू बात है, या हमें फंसाया जा रहा है, या हमें फ्रेम किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जितना मैं इन नेताओं के मुंह से सुनता हूँ कि इसको रद्द करो, बेकार है, झूठ है, उतना ही मेरा विश्वास गहरा होता जाता है कि कम से कम इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। इतने नेता परेशान हैं तो जांच तो जरूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो है दाल में काला। बीजेपी वाले आजकल सिर्फ एक चीज़ की आड़ ले रहे हैं, साहब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, ये बात बिल्कुल झूठ है। देखिए, कोर्ट के अंदर जब जिरह होती है, दोनों पक्ष बोलते हैं, वकील अपनी बात रखते हैं, कई बार बहुत तेजी तीखी तरीके से रखते हैं, जज सवाल पूछते हैं, कई बार बड़े तीखे सवाल पूछते हैं, इन्हें ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, उसको लिखा नहीं जाता और वो अपने आप में रिकॉर्ड नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से आपको लगता है कि मामला इस दिशा में जा रहा है, और जब जजमेंट आता है तो दूसरी दिशा में जाता है, क्योंकि हर जज का पूछने का अपना तरीका होता है, कहने का तरीका होता है। इस केस में अब तक 3 हियरिंग हुई हैं। पहली बार शांति भूषण जी गए, जजों ने कहा, उस वक्त बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन दिए, कहा कि ये सहारा वाले कंपनी की तो आदत है झूठे दस्तावेज बनाने की, आप कैसे ला सकते हैं, फैब्रिकेटेड एक दस्तावेज के बारे में उन्होंने कहा, इत्यादि, सबके बारे में नहीं, और कहा कि और एविडेंस लाइए। दूसरी बार गए, उन्होंने कहा हम संतुष्ट नहीं हैं, और एविडेंस चाहिए। तीसरी बार प्रशांत जी 4 वॉल्यूम अप्रेजल रिपोर्ट के लेके गए, जिसके बारे में फिर फाइनली फैसला ये हुआ कि इसको जनवरी में लिया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक भी शब्द का ऑर्डर नहीं दिया है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का पुराना कानून लागू है, पुराना निर्णय जो जैन हवाला डायरी में था, और निर्णय ये था कि अगर ऐसी किसी भी डायरी में किसी भी बड़े लोगों का नाम आता है तो इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्णय है नलिता कुमारी के केस में, कि अगर कोई मटेरियल मिलता है बिना ये जांचे कि वो मटेरियल सच्चा है या झूठा है, अगर वो सच्चा होता तो उससे क्या निष्कर्ष निकलते, इस आधार पर FIR दाखिल होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में अपना फैसला बदल देता है तो बदल दे, लेकिन आज की तारीख में कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले के बार बार बीजेपी ये ना कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है, कोई निर्णय नहीं आया है। अच्छा, तो क्या इस मसले में सारा सब कुछ, जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ कोर्ट पे जाता है, या जिस तरह से इन दस्तावेजों को रद्द किया जा रहा है, जिस तरह से फोर्सफुली नेता लोग बोल रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, ये सब झूठ है, तो इतने सारे, अगर हर कोई यही बोल रहा है कि यह झूठ है, तो फिर उनको क्या डर है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से? तो क्या आपको लगता है ये सिर्फ कोर्ट का मामला है, या पॉलिटिकल पार्टीज और जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी खुद आके कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि जनता को कोई क्लैरिटी मिल सके इस बारे में? देखिए, कोर्ट को लेकर बिल्कुल भ्रांति हो गई है, ऐसी भ्रांति हो गई है मानो इस सवाल पे इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, ये कोर्ट ने फैसला करना है। ये कोर्ट ने फैसला नहीं करना है, फैसला तो पहले सरकार को करना चाहिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को करना चाहिए, CBI को करना चाहिए, उनके पास 1.5 साल से पड़ा हुआ है। प्रशांत भूषण तो केवल ये मांग लेके गए हैं कि पिछले 2 साल से ये इस पे बैठे हुए हैं, अब कोर्ट इनको मजबूर करे। अगर कोर्ट मजबूर नहीं भी करता, मान लीजिए कोर्ट कहता है कि हम ऑर्डर नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन,
इसका मतलब ये थोड़ी कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आईटी अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। उनका तो फर्ज है सामान्य रूप से करने का, कोर्ट मजबूर करे ये तो बिल्कुल अंतिम सिचुएशन बनता है, सामान्यतः काम क्यों नहीं करते। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, प्रधानमंत्री कहते हैं ना मैं खाता हूँ ना खाने देता हूँ, कहते हैं कि मैं इतना शरीफ हूँ इतना ईमानदार हूँ पैसे का तो कोई चक्कर ही नहीं है, कहते हैं पूरे देश में काले धन के खिलाफ यज्ञ चला रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे में अगर आप पे ऐसा कोई आरोप उठता है तो आप खुद क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री जी कि आप मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन करानी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि ये बातें बिल्कुल झूठ हैं, आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, लेकिन मुझे किसी से डर नहीं लगता और मैं इस देश में मिसाल कायम करूंगा, मैं कहूंगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए मुझ पे। रामायण को बहुत कोट करते हैं ना, सीता की अग्नि परीक्षा कैसे हुई थी, प्रधानमंत्री कहें कि मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, क्यों नहीं कह रहे इतने दिन से प्रधानमंत्री, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं दिक्कत क्या है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं, तंज करते हैं, दाएं बाएं सब तरह की बात करते हैं, लेकिन इतनी साधारण बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और उनकी पार्टी वाले कहते हैं प्रधानमंत्री के पद की प्रतिष्ठा को इससे धक्का पहुंचेगा। अरे भाई कैसे धक्का पहुंचेगा, प्रधानमंत्री करवा दे इन्वेस्टिगेशन और पता लगे कि इसके अंदर लेशमात्र भी सच नहीं है, प्रधानमंत्री का कद तो बढ़ जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया नहीं जा सकता, अगर इससे प्रतिष्ठा गिरती है, तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ ये बोफोर्स मामले में आप क्या कर रहे थे जी, ये कोलगेट वाले में मनमोहन सिंह का नाम क्यों घसीट रहे थे जी, क्या प्रमाण था उस वक्त आपके पास, किस आधार पर कह रहे थे, देश को फायदा हुआ ना बोफोर्स के मामले से, कोलगेट के मामले से, इस देश को फायदा हुआ, प्रधानमंत्री का नाम आया, कड़क सवाल पूछे गए, चाहे उसको सजा मिली या नहीं मिली, देश में कुछ भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ। वही बातें आज इस प्रधानमंत्री पर लागू क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या प्रधानमंत्री के पद की कोई नई परिभाषा हो गई है, क्या प्रधानमंत्री के लिए कोई नए तरह के कानून होने चाहिए, क्या कह रहे हैं। इसी से जुड़े अब एक दूसरे मसले पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग जो है उसके बारे में। तो अभी जैसा कि हम सब जानते हैं राजनीतिक पार्टियाँ आरटीआई भी अलाउ नहीं करती हैं, अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि कुछ पार्टियों का काला धन है, काला मन है, और ऐसी बातें की जा रही हैं। FCRA के बारे में भी बहुत सारे सवाल अभी उठे, फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन एक्ट के ऊपर, और हमारी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन सब यही बोलते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, फिर बहुत सुप्रीम कोर्ट से टू एंड फ्रो हुआ, तो ये काफ़ी टाइम से चलता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डबल स्पीक है, ये जो दोनों बातें बोलना है कि हम चाहते भी हैं ट्रांसपेरेंसी पर RTI भी लागू नहीं कराएंगे, और उसके बाद उसके बारे में डिटेल में बात भी नहीं हो पा रही है, वो क्यों नहीं हो पा रही है, और अगर ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फंडिंग में होना चाहिए तो किस हद तक होना चाहिए, क्या सारे डोनर्स के नाम और एड्रेस पब्लिक डोमेन में देने चाहिए, और अगर देने चाहिए तो कितने डोनेशन तक में उसको लिमिट भी सेट किया जा सकता है, क्या वो 10 रुपये भी जो डोनेट करें किसी पार्टी को उनका भी नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। देखिए आप बुनियादी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है, इस देश में भ्रष्टाचार गंगोत्री है, राजनीति के भ्रष्टाचार, इसलिए नहीं कि पॉलिटिकल डोनेशन और करप्शन बहुत बड़ा हिस्सा है ब्लैक मनी का, लेकिन सारी ब्लैक मनी इसी दरवाजे से गुजरती है, इसलिए अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इस देश में काले धन को रोक नहीं सकते। सरकार इसके बारे में अर्ध सत्य बोलती है, और हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी तो एकदम मास्टर है अर्ध सत्य बोलने के, वो कहते हैं हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया पार्टियों को फेवर करने वाला। हकीकत यह है कि इस देश में पहले से एक कानून चला आ रहा है जो कि पार्टियों को फेवर करता है, उन्होंने नए कानून बनाए बाकी सबके लिए, आपके मेरे अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे, हम कितने एक्सपेंशन देंगे, सब के कानून नए बना दिए रातों रात, पार्टियों के कानून को नहीं बदला। आम लोगों के लिए छोटा से छोटा छेद भी बंद करने की कोशिश हुई, पार्टियों का पूरा ढक्कन ही खुला हुआ है उसको खोलने छेद बंद करने की कोई कोशिश नहीं की। और वो क्या है, नियम ये है आज की तारीख में कि पोलिटिकल पार्टियाँ अपनी डोनेशन को डिक्लेयर करेंगी, लेकिन अगर कोई 20,000 रुपये से नीचे की डिक्लेरेशन है की डोनेशन है उसे डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं। अब पार्टियां चाहें तो जितना मर्जी पैसा इस खाते में डाल दें, और BSP तो अपना 100% पैसा इसमें डालती है, BJP वगैरह अपना 70% 60% पैसा इसमें डाल देते हैं जी, छोटी छोटी डोनेशन मिली हम कहाँ से बताएं।
जब तक इस दरवाजे को, खिड़की को आप बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई राजनीतिक दलों की ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी है कि इस 20,000 वाली खिड़की को बंद किया जाए, पूरी तरह से बंद किया जाए, यानी कि जो नियम बाकी सब संगठनों पर लागू होता है वो पार्टियों पर लागू हो। नियम क्या है, आपको जो भी चंदा मिलता है आप उसकी रसीद दीजिए, कम से कम अनअकाउंटेड तो नहीं होना चाहिए ना। और दूसरा, आप बही खाता रखिए, कैश रजिस्टर रखिए, किस तारीख को आपको क्या मिला इसका हिसाब रखिए। इसकी कमी के कारण वो चीज़ें हो रही हैं। कल पता लगा कि बीएसपी को कोई 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया कैश जमा हो गया। इनकम टैक्स वाले उनसे पूछेंगे कि आपके पास कैसे है, कब आया है पैसा, कैसे आया, वो कहेंगे हमारे को 20,000 से कम हज़ारों लोगों ने डोनेशन दिया। वो कहेंगे कब आया, वो कहेंगे 8 अक्टूबर से पहले आ चुका था। वो कहेंगे कैश रजिस्टर दिखाओ, वो नया बना के कैश रजिस्टर दिखा देंगे, लीजिए सितंबर में आया था, अगस्त में आया था, जनवरी में आया था, जुलाई में आया था। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर में नहीं डाल सकते, तब तक वो जो मन में आया जब भी डिक्लेयर कर देंगे 31 मार्च को। इसलिए हमारी 4 मांग है। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज पे जो इलेक्शन कमीशन ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोसीजर स्पेसिफाई किए हैं, उस प्रोसीजर को मानना कंपलसरी किया जाए। नंबर 2, ये 20,000 की लिमिट को, एग्जेम्पशन को एकदम हटाया जाए। सारी चीज के ऊपर आप रसीद काटिए, 10 रुपए भी आता है, रसीद तो काट लीजिए, आप डिक्लेयर करें ना करें वो एक सिंपल सी चीज है। नंबर 3, इस साल के लिए सभी MLA, MPs और पॉलिटिकल पार्टीज का स्पेशल ऑडिट हो कि उन्होंने 8 नवंबर के बाद कितना कैश डिक्लेयर किया है। और नंबर 4, सभी जितने भी इस साल की जो पार्टीज हैं, चौथी बात ये कि जितने भी फॉरेन फंडिंग है, पॉलिटिकल पार्टीज की फॉरेन फंडिंग पे बैन को वॉयलेट करने वाली जो पार्टीज हैं उनको सजा। और वो पार्टीज कौन सी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों को सजा हाई कोर्ट में इंडाइट किया जा चुका है, इन सब के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। तो ये सब मांग हमने एक रैली करके रखी थी, और हमें लगता है जब तक ये बातें नहीं होती हैं तब तक पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी आना संभव ही नहीं है। और जब तक पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं आती तब तक ब्लैक मनी को कंट्रोल करने की सारी बातें फिजूल और वाहियात है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अभी 50 दिन होने वाले हैं नोटबंदी को, और आप स्वराज अभियान के साथ जो आपका काम है उसमें आप बहुत सारे सूखाग्रसित जगहों पे भी घूम के आए, विदर्भ वगैरह घूम कर आए हैं जब सूखा पड़ रहा था उधर, तो आपका रूरल इकोनॉमी की आपकी एक समझदारी है, आपने किसानों के साथ काम किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन 50 दिनों में आपको क्या लगता है कि उन पर क्या असर पड़ा, इसका कैसा असर पड़ा, क्या उनको भी कोई भी इससे फ़ायदा हुआ है, और आगे आने वाले महीनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनके लिए कैसा रहेगा, इससे कोई फ़ायदा होगा या ना होगा, या अगर उनको कुछ नुकसान हुआ है तो क्या वो तुरंत उससे उभर पाएंगे कि नहीं उभर पाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन नोटबंदी डिक्लेयर हुई थी हमने उसका विरोध नहीं किया था। हमने कहा था कि इसके परिणाम देखने चाहिए, सरकार काले कानून, काले धन के बारे में कोई भी कदम उठाती है, छोटा कदम उठाती है, उसको सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि काले धन के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। हमने ये भी कहा था कि हमारे विचार से काले धन पे इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटा भी कदम होता है तो उसको प्रोत्साहित करें, बड़े कदम का इंतज़ार करें। हमने कहा था नोटबंदी तो कर दीजिए, लूटबंदी आप कब करेंगे। पिछले 45 दिन में जो इसका अनुभव सामने आया उससे इस बात की पुष्टि होती है कि काले धन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगाने में कामयाब नहीं हुए। ज़्यादा कहिए तो काले धन का जो हाथी है उसकी पूंछ भले ही पकड़ में आ गई हो और कुछ पकड़ में नहीं आया है। इसकी जो कीमत है पूरे देश के लिए, ख़ास तौर पे जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी बेहद की, और लगता है कि ये योजना बनाने वालों ने, ये रिजर्व बैंक वालों ने, बड़े बड़े ऑफिसर्स ने कभी देखा नहीं है गांव देहात, इन्हें कोई आइडिया नहीं है। नोटबंदी उस सीज़न में लाई गई जबकि 2 साल के सूखे के बाद किसान के पास एक अच्छी फसल आई थी, सोच रहा था कुछ ठीक दाम मिल जाएगा, शादियों का सीज़न था, सोचा था 4 पैसे बचा के बेटी की शादी कर देंगे, घर में कुछ कर लेंगे। इसके बीच में आ गई नोटबंदी जो हो गया कुठाराघात।
ज़्यादातर जगह जो खासतौर पे पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, जो कि जल्दी से गिरने वाली फसलें हैं, ख़राब होने वाली फसलें हैं, टमाटर हो, आलू हो, सब्जियाँ हो, तमाम चीज़ें हो, इनके दाम रातों रात गिर गए। मैं अभी आलू वाले इलाके में था, आलू पहले 600 रुपये पैकेट बिक रहा था, नोटबंदी के बाद 125-150 रुपये पैकेट बिकना शुरू हो गया, रातों रात 1/4 हो गया। टमाटर के किसान अपने टमाटर को फेंक रहे हैं, जगह जगह पे किसानों की एकदम इनकम कम हो गई है, दिहाड़ी वाले मजदूरों की दिहाड़ी बंद हो गई। दिक्कत कैश की सिर्फ नहीं थी, क्योंकि उनके मालिक के पास कैश नहीं था तो उनके पास रोजगार नहीं है। जो छोटा दुकानदार है, जो रेहड़ी लगाता है, तो अपना दिहाड़ी चलाता है, इन सब लोगों के जीवन पे इतना बुरा असर हुआ है। सवाल ये है, इसकी भरपाई कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी है? प्राकृतिक आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है, सूखा पड़ता है, सरकार कॉम्पेंसेशन देती है, लेकिन ये जो आपदा सरकार लेके आई है, इसकी भरपाई कौन करेगा? कोई जिम्मेवारी इसके लिए है या नहीं है, ये प्रश्न तो पूछना होगा। नोटबंदी से कुल मिला के कितना फायदा हुआ हमें पता लग जाएगा, लेकिन अगर काले धन के बारे में हम थोड़े से भी रत्ती भर भी सीरियस हैं, तो मैं कहता हूँ ये काला धन तो दशानन है, 10 सिर वाला राक्षस है। नोट और कैश ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक सिर है। जब तक बाकी 9 सिरों पे हमला नहीं होगा, सोना है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, पी नोट्स हैं, विदेशी डिपॉजिट्स हैं, और विदेशों से पैसा रूट करके आने का जो मॉरिशस का चक्कर है, जब तक इन सब को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक नोटबंदी से लूटबंदी नहीं होगी, काला धन नहीं रुकेगा, देश को सजा तो मिल जाएगी लेकिन इसका कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद योगेंद्र जी, आज के इंटरव्यू में इतना ही। अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।